हुकूमत के तमाम दावों की कलई खुल गई। कोरोना बहरान से निकलेंगे तो अगले इंतखाबात हो सकेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 18वीं तरमीम को कोसने से काम नहीं चलेगा। फारूक सत्तार और सिराजुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर हवाबाजी का बयान PIA और सिविल एविएशन के ताबूत में आखिरी कील है। पायलट्स की जाली डिग्रियों का मामला मुल्क की जग हसाई का सबब बना। बहरानों का खात्मा किसी एक जमात के बस में नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बैठना होगा। मुल्क इस वक्त एक शदीद इंतशार से दो चार है और इस दलदल से मुल्क को निकालना हर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि PTI के मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है। खुद हुकूमत का वजीर PIA और सिविल एविएशन के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दे, पूरी दुनिया में जग हसाई का मौका दे। हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमातों को ये वक्त सर जोड़ कर बैठने का है। ये वक्त आपस में वसीतर कौमी सतह पर सलाह मशवरे का है।